आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो स्वागत है प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और कस्टमर ने जो फोटो दिया है, मेरी परीक्षा लेने के लिए दिया है, उसका काम है इसलिए नहीं दिया है। फोटो देखेंगे तो एकदम ब्लर है, डैमेज्ड है, कुछ डिटेल नहीं दिख रहे, ऊपर से येलो टोन है, और इसको ठीक करने के लिए दिया है। अभी ये बड़ा चैलेंज क्या क्या है मैं बताता हूँ। डिटेल का है, बैकग्राउंड का है, ये ड्रेस का है, और उसके सभी डिटेल को शार्प करना एक बड़ा चैलेंज, स्किन टोन निकालना वो एक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और वीडियो को पूरा आराम से देखिए। ये वीडियो भी जैसे पिछला वीडियो था वैसे ये वीडियो भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और इससे नॉलेज बहुत मिलेगी आपको आपका काम करने में। तो आराम से देखिए, टाइम निकाल के देखिए, अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, तो इस फोटो को मैंने रेनिमी ऐप से थोड़ा इनहांस करके लिया है। तो रेनिमी ऐप से इनहांस करने के बाद अच्छी खासी डिटेल निकल के आई है, अच्छी खासी। मतलब बाकी शर्ट का तो काम नहीं होता है, वो तो सेम ही रहता है, आँख नाक मुँह का तो निकल के आया है, और इतना जितना उसने दिया है बहुत है, बहुत है अपने लिए। बाकी का यही तो मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि फेस का, बाकी शर्ट किसी का और का लगा दिया, टोपी किसी और की लगा दी, बैकग्राउंड किसी और का लगा दिया, वो चल जाता है। फेस किसका लगा सकते हैं, किसी का नहीं लगा सकता है, ओरिजिनल ही चाहिए होता है। तो ये बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, बहुत अच्छी डिटेल इनहेंस करके दी है। अभी इस फोटो को मैं करूँगा A4 पे, एक A4 सीट ली और रेनिमी ऐप वाली फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाया, कंट्रोल टी करके अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे इतना है, इस फोटो को थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि फेस बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, इतना ठीक है। अभी हमें इसका एक डुप्लीकेट निकाल के रखता हो ताकि ओरिजिनल में बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ओरिजिनल हमारे पास सेव रहे, ठीक है। पेंट टूल से अभी इसको, अभी ज्यादा कॉर्नर तो नहीं दिख रहे, रफली में आइडिया लगा के सिलेक्शन कर रहा हूँ। हालांकि कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टोपाज के वगैरह, वो ऑटोमेटिकली फोटो को सिलेक्ट करके वो कट कर लेते हैं, उसके बारे में मैं भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। पता कैसे चलता है कि सब्जेक्ट का है और कैसे, मुझे पता नहीं, पर वो काम करता है सही से, 100% नहीं पर ज़्यादातर वो सही कर लेता है, सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ढूंढ के उतना कट कर लेता है। एडवांस फोटोशॉप में भी वो ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट का, वो भी आप देख सकते हैं। मैं CS6 इस्तेमाल करता हूँ तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो और कटिंग का ज्यादा पार्ट नहीं होता है तो मैं कर लेता हूँ मैन्युअली, जितना अच्छा होता है उतना वो AI से उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। इतना सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल एंटर, 2% फेदर, कंट्रोल जे, इस वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ, और इतना हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि फोटो के ऊपर येलो टोन है, ठीक है, वो नहीं चाहिए। पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करके इसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद रेड चैनल पे इतना ग्राफ मिसिंग है तो उतना फिल करूँगा, इधर का इतना ग्राफ मिसिंग है तो इतना इधर से फिल करूँगा,
ग्रीन चैनल पे सेम। और ब्लू चैनल पे भी सेम। देख सकते हैं कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, एकदम जमीन आसमान। अभी इसके बाद आगे का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गए लेवल से, अभी कंट्रोल बी दबाना है, उसे ये डार्क शैडो में येलो टोन आ गए, उसको हमें येलो करना है थोड़ा। ज़्यादा ग्रीन लग रहा है तो थोड़ा सा पिंक करना है। एटोमेटिकली अपने थोड़ा बहुत वो स्किन टोन भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। और मुझे लगता है टोपी वो ब्लूइश टाइप ही होगी, ठीक है। बाकी का काम बाद में कर लेते हैं, और पहले जो फोटो है उसका फेस का जो पार्ट है उतना कट करके अलग कर लेते हैं। तो ज़्यादा काम होता है वो फेस पे ही होता है, शर्ट पे वो अगर काम करना है तो उस पर घिस सकते हैं, नहीं कस्टमाइजिंग करना है तो दूसरा लगा सकते हैं। मतलब डिटेल नहीं है तो गूगल से डाउनलोड करके वो दूसरा शर्ट लगा सकते हैं, वो उतना कम टाइम में हो जाता है। ज़्यादा टाइम फेस पे लगता है और ज़्यादा टाइम फेस को ही देना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल इंटर, 2% फेदर देके कंट्रोल जे करता हूँ। अभी शर्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे येलो है, यहाँ पे व्हाइट है, टोपी जो है ज़्यादा ब्लूइश है, तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना ही सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसको कर देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट ताकि टोन वगैरह तो निकल जाए, बाद में इसका काम बाद में देख लेंगे, टोन निकल जाए। इसका सैचुरेशन बहुत लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा कम कर देता हूँ थोड़ा एकदम, ठीक है। फेस पे येलो टोन ज्यादा दिख रहा है तो येलो टोन कम करके रेड टोन ज्यादा होना चाहिए। अभी इधर इधर ज़्यादा कलर है तो वो सही से नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम ब्लेंडिंग मोड कलर करके एक न्यू लेयर लेके ब्लेंडिंग मोड कलर करके एरिया सिलेक्ट करके इसके ऊपर अभी कलरिंग करेंगे। यहाँ का कलर थोड़ा मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तो ओपेसिटी एकदम कम करके अपने हिसाब से जहाँ जहाँ चाहिए अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हेयर है वहाँ पे वो भी रेड हो गए हैं, आईब्रो भी ग्रीनिश हो गए, आँखों का वाइट पार्ट होता है वहाँ पे भी ग्रीन कलर आ गया है, तो वो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं वाइट कलर उस पे मार दूंगा ताकि उसमें जो कलर है वो निकल जाए।
इतना सिलेक्ट करके जो टोपी का कलर थोड़ा सा ब्लूइश टाइप है, रख ले दिया है, बाद में उसको ये कर देंगे। अभी फोटो के ऊपर कॉन्ट्रास्ट है वो ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम करना चाहिए, मतलब ब्राइटनेस भी बढ़ा देंगे तो भी चलेगा। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि वो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, व्हाइट पार्ट को ज्यादा व्हाइट होता है, डार्क पार्ट को डार्क पार्ट ज्यादा डार्क होता है, तो बैलेंस इसी से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोज होगा, माथे पे देखो और ये यहाँ पे देख लो, तो बैलेंस करने के लिए ये ठीक है। अब इस सिलेक्टिव कलर में जाके इसका जो ज़्यादा येलो है उसको कम कर सकते हैं। फिर से एक बार कंट्रोल लेवल से एडजस्टमेंट करें,
बेसिक हमारा कलर करेक्शन हो गया है और स्किन टोन लाने की कोशिश की है। वो इसके बाद इसके ऊपर भी हमें कलर अप्लाई करना है ताकि थोड़ा और आर्टिस्टिक लगे। अभी जो छोटे मोटे दाग धब्बे हैं उसको निकाल देते हैं। अभी फोटो एकदम फ्लैट दिख रहा है इसलिए इसके ऊपर हाईलाइट डालना पड़ेगा। एक न्यू लेयर क्रिएट करके व्हाइट कलर सिलेक्ट करके कोई भी ब्रश सॉफ्ट ब्रश लेके उसका हार्डनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि एकदम सॉफ्ट वो हाईलाइट ना पड़े, थोड़ा हार्ड पड़े। ठीक है, 10-15 ओपेसिटी ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक हमने हाईलाइट डाल दिया है नाक पे, गाल पे, और बाद में उसको ब्लेंड भी करेंगे। अभी हल्का सा एकदम कलर अप्लाई करेंगे ताकि थोड़ा वेरिएशन भी आ जाए। और एकदम हल्का सा कलर अप्लाई कर दिया, ये दोनों लेयर को मर्ज कर देता हूँ। और शर्ट का जो है एकदम कुछ गंदा गंदा दिख रहा है तो मैं उसको प्रॉपर वाइट ही कर देता हूँ। बाद में उसकी डिटेल निकालेंगे। और टोपी है उसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अभी करेंगे इसको स्मज।
इसका एक डुप्लीकेट निकाल के रखता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ हो गई तो ओरिजिनल भी हमारे पास रहे। ठीक है।
तो दोस्तों हमने यहाँ तक काम किया था और इसके आगे का जो काम है मैंने थोड़ा पॉज करके कुछ चीज़ें की हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा आपका टाइम बचेगा और चीज़ें समझ में भी आएगी। इसके बाद अभी आप फोटो को देख सकते हैं। फोटो के ऊपर थोड़ा सा रेड टोन है और स्मजिंग वगैरह कहीं पे रह गया है। तो मैंने अभी पहले क्या किया है, फोटो को कलर है थोड़ा कम कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, येलो टोन ज़्यादा दिख रहा था, इसमें कम है, ठीक है। और गाल पे देखेंगे तो एकदम लाइट पिंक टाइप कलर मिक्स कर दिया है। वो थोड़ा ग्लो देने के लिए है, इसलिए नहीं कि लड़कियों का गालों के ऊपर पिंक होता है, उसलिए नहीं, वो थोड़ा ग्लो देने के लिए भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, जो टोपी की डिटेल है वो तो हमने फ्लैट कर दिया है टोटल, तो मैंने उसके ऊपर ही थोड़ा ड्राइंग करके थोड़ा एडजस्ट करके इस तरह से किया है। आप गूगल पे जाके वहाँ से डाउनलोड करके एडजस्ट कर सकते हैं और बाद में उसको लिक्विफाई वगैरह करके उसको समझ करके उसको ये इस टाइप से कर सकते हैं। सेम मैंने शर्ट के ऊपर भी किया है। शर्ट अभी क्या है, टोटल फ्लैट है, ना तो इसमें कोई डेप्थ है ना कोई हाईलाइट है, एकदम प्लेन सिर्फ आउटलाइन है। तो इसके ऊपर ड्रॉ करने में पूरा 1-2 घंटा जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना तो दूसरा ही यहाँ पे एडजस्ट करके बाद में उसको स्मज कर दूँ। तो मैंने एक दूसरा डाउनलोड किया है, उसको एडजस्ट किया है और बाद में उसको स्मज कर दिया है। इसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो ये 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो डायरेक्ट ऐसा डायरेक्ट ब्रश से ड्रॉ कीजिए ताकि आपको वो एडजस्टमेंट करने की झंझट नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, उससे आसान तरीका है कि गूगल पे जाके ऐसे व्हाइट शर्ट या कौन सी भी है वो डाउनलोड करके इस पे एडजस्ट कर दो और बाद में उसको स्मज कर दो। और उससे भी आसान तरीका, कोई ऐसी फोटो देख लो जिसमें ऑलरेडी पेंटिंग किया हुआ है और इसी टाइप का है शर्ट, तो वो निकाल के एडजस्ट करेंगे तो भी चलेगा। कस्टमर ये नहीं पूछता कि क्या किया है, वो अपने हिसाब से करना होता है, ठीक है। आपको जो ट्रिक सही लगे आपके हिसाब से वो कीजिए, अच्छा होगा अगर ड्राइंग करके ही करे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बाद में, पहले तो दिक्कत आती है वो ड्राइंग करने में, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, एक डिसेंट सा बैकग्राउंड लिया है, इसके ऊपर ना तो झांकी पैंकी कलर है ना डिस्को कलर है, एकदम नीले पीले हरे कुछ नहीं, एकदम डिसेंट। ऐसे बैकग्राउंड, स्टूडियो बैकग्राउंड भी आप यूट्यूब पे अपना गूगल पे सर्च करोगे स्टूडियो बैकग्राउंड तो इसी टाइप के आ जाएंगे। और ऐसे बूढ़े लोगों को तो थोड़ा वो ऐसे ही बैकग्राउंड सूट करते हैं, उसको ज़्यादा डिस्को टाइप वो अच्छा नहीं लगता अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा फाइनल आउटपुट है। ये इसमें क्या किया है, जो शर्ट के ऊपर यहाँ पे पेन वगैरह पॉकेट लगा दिया है और कहीं कहीं पे स्मजिंग रह गया था वो करेक्ट कर दिया है। इसमें और अच्छा कर सकते हैं, और टाइम देके और इसको रिफाइन कर सकते हैं। जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतना वर्क अपना अच्छा दिखेगा। तो मैंने इतना तक किया है और इसका ये बिफोर आफ्टर दिखा सकता हूँ। ऐसे समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट, अभी समझ में आएगा। अभी देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कैसा है। यहाँ के आँख की नाक की डिटेल देखो, यहाँ आँख की नाक की डिटेल देखो, शर्ट की डिटेल देखो, टोपी की डिटेल देखो। आदमी वही है, सिर्फ उसको इनहेंस कर दिया है, बैकग्राउंड वगैरह सब रिक्रिएट किया हुआ है, सब एकदम साफ सुथरा सब चीज़ें दिख रही है। अभी दिखने में अच्छा दिखेगा। इसको प्रिंट लेके कैनवास पे प्रिंट लेंगे तो उसका धागे धागे का टेक्सचर वगैरह वो है ऐड होगा, तो छोटे छोटा नॉइज़ वगैरह वो निकल जाएगा, उसमें मर्ज हो जाएगा और जो लुक है बहुत अच्छा आएगा प्रिंटिंग करने के बाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट में कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।